What's up guys, हम हैं आपके जुड़वाज सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, जैसे कि अभी जो हम लोग शूट कर रहे हैं वो आज की 13 अप्रैल तारीख है, बिल्कुल, और कल की 14 अप्रैल है, मतलब कल रिलीजिंग डेट है, कल रिलीज हो रहा है KGF चैप्टर 2। तो जाके देखो, मजा आएगा, बिल्कुल। हम लोग भी बरोबर अपना प्लान करके जाएंगे जरूर, बिल्कुल। तो आज एक KGF चैप्टर 2 से नया गाना आया है, इसका नाम है सुल्तान। और हर बार आप बोलते हो कि यार आप हिंदी भी करो और कन्नड़ा भी करो, बिल्कुल। तो आज हम दोनों ने सोचा है कि दोनों साथ में करते हैं, बिल्कुल। पहले हम लोग सुल्ताना सुनते हैं, बिल्कुल, सुल्ताना मींस कन्नड़ा वाला। हाँ। तो आप लोग भी बने रहो तो आपको भी पता चलेगा डिफरेंस क्या है, बिल्कुल। और क्या होता है गाइस, जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है तो उसका जो डेप्थ रहता ना भाई, मजा आता है वो उसमें। तो आप लोग भी देखो, मजा आएगा। तो दोनों भी हिंदी भी एंजॉय करते हैं और कन्नड़ा भी एंजॉय करते हैं। तो मैं उसके पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, आप ऐसे हमको ट्रेंडिंग में लाते हो, ऐसे सपोर्ट करते हो, ऐसे प्यार करते हो, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। तो और एक आपका काम यही है कि हम लोग तो एंटरटेनमेंट करते रहेंगे आपका, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को शेयर भी करना तो नए पब्लिक को भी पता चलेगा, बिल्कुल। और आपके लैंग्वेज के, मतलब कन्नड़ा हो, हिंदी का तो हमको आइडिया रहता ही है, हम लोग देखते रहे, और कन्नड़ा लैंग्वेज में अगर कुछ अच्छे गाने या कुछ अच्छी मूवीज के ट्रेलर हमसे छूटते तो प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में बताया करो, तो हमको आइडिया आता है। तो चलो गाइस, सीधा गाने पे आते हैं, ज्यादा बात नहीं, पहले सुनते हैं सुल्ताना कन्नड़ा, उसके बाद सुल्तान हिंदी, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। और बीच में ही पता चल जाएगा तो फिर अपन हिंदी पे फ्लिप हो जाएंगे, टेंशन नहीं, बिल्कुल। चलो लगा दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अरे बाप रे, रॉकिंग स्टार यश, अरे बाप रे, स्टार्ट देखना, ये रवि बसरूड़ भाई, रवि बसरूड़, वाओ। ये गाना जब भी मतलब यश को लेके नहीं सोचा होगा, ठीक है, रवि भाई ने क्या ऐसा बनाना है, वो बंदा अकेला बैठा होगा, ठीक है, सोच रहा होगा,
और उन्होंने ऐसा क्या खाया होगा, क्या पिया होगा कि इतना एनर्जी, मतलब समझ रखे इतना एनर्जी दिमाग में ला लिया। सिंगर इतने सिंगर को गवाया रहेगा बिल्कुल ऐसे, वो वैसे तूफान तूफान एकदम। और इस बार मेरे को ना कंपोजिशन इतनी फ्लिप बढ़िया की है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो इतने सारे सिंगर रैप कर रहे हैं। हाँ सही में वही एकदम वाह यार रवि भाई यार, कहाँ से लाते हो एनर्जी यार। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी, बहुत बहुत तगड़ा एनर्जी, बहुत तगड़ा एनर्जी, प्रॉपर म्यूजिक, प्रॉपर कंपोजिशन, और इतने सारे सिंगर को रैपर भी बना दिया रवि बसरूर भाई ने। बहुत प्यार, बहुत प्यार। अभी एक काम करते गाइस, अपन आते हिंदी पे, बिल्कुल अपन हिंदी पे आते, फिर क्या उसका लिरिक्स भी समझ में आ जाएगा हमको, तो हम और अच्छे से बात कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो हिंदी पे आते। बट मैं अगर आपको तूफान गाने के बारे में बताना चाहूंगा, मेरे को दोनों भी गाने पसंद है, बिल्कुल बताना चाहेंगे। तूफान तूफान हिंदी और कन्नड़ा, और मेरे को उतना ये वाला लिरिक्स कन्नड़ में तूफान तूफान तड़ 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 रे, वो कन्नड़ में ज्यादा मजा आता है, पावरफुल है ना, क्योंकि जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है उसमें सुनने का ही मजा अलग होता है। तो इसलिए हमने आज सोचा कि यार कन्नड़ा और हिंदी एक साथ सुनते हैं, तो चलो अभी हिंदी पे आते हैं। बहुत मजा आया। आप नए हो तो प्लीज चैनल को शेयर कर देना, तो नए पब्लिक को भी पता चलेगा, लोग भी एंजॉय करेंगे यार, अपना अकेला क्यों एंजॉय कर रहे हैं। वोकल्स तो बहुत भारी है, बहुत भारी है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, और आप भी सजेशन देना हमको, बिल्कुल आपको इस गाने में क्या पसंद आया और हमारे बारे में क्या पसंद आया। वेरी पावरफुल सॉन्ग, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल मैन। वापस चार्ज हो जाते हैं हम लोग और वापस पहले से लगाते हैं हिंदी में, बिल्कुल। चलो हम्बल फिल्म्स, बाप रे इतना वोकल देखो, फुल फीमेल वोकल देखो, वो तो छेलो, और वो क्या बज रही है वॉयलेंस, बाप रे रंग जीत लिया वीरा, क्या बताऊं गाइस, मतलब दिल खुश हो गया यहाँ पे, बहुत ज्यादा वाव। ये गाना नेट ये क्यों हो गया है, रुक गया, इतना क्या पावर हुआ, इंटरनेट को भी चार्जिंग, इंटरनेट भी हमारा रुक गया, वाह बताओ, वाव गाइस बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल। रुको मैं एक कनेक्शन देख के वापस चालू करता हूँ, बिल्कुल। तो गाइस एक्चुअली हुआ क्या, हम लोगों ने बंद इसलिए वीडियो किया था कि हमारा इंटरनेट इतना, ये गाना इतना पावरफुल है कि इंटरनेट भी इतना पावरफुल हो गया कि वो बंद ही हो गया, ठीक है। वाओ, तो अभी मैं चालू करके आया हूँ, वापस चालू हो गया है, तो सॉरी इंटरप्ट इंटरनेट ने कर दिया, मैंने हमने नहीं किया। तो वापस चार्ज में आते हैं और वापस थोड़ा सा पीछे करके सुनते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से, थोड़ा सा पीछे से, क्योंकि अभी आइडिया नहीं कहाँ से छूट गया था, ठीक है। चालू करते हैं, लगाओ लगाओ, चलो बहुत पावर। ओहो बहुत पावर,
पावरफुल मतलब आप सोच आपने देखा क्या एक टाइम पे मतलब क्या ही ये करे दोनों देखो कन्नड़ा में तो मजा आया ही आया बिल्कुल क्योंकि सीधी सी बात है गाइस मतलब ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लैंग्वेज में बहुत अलग ही पावर नहीं तो क्या होता है सुनने को और ऊपर से हिंदी भी अच्छा है उतने ही ताकत है यही मेरे को रवि बसरूर भाई की बात अच्छी लगी कि जो भी लैंग्वेज में कर रहे हैं ना वो बखूबी निभा रहे हैं exactly. ऐसा नहीं कि अगर क्या होता है कि कोई डब्ड रहा गाना जैसे ओरिजिनल गाने के सॉरी इसके बाद लैंग्वेज के बाद अगर कोई डब रहा तो वो ना फील टूट जाता है क्योंकि एग्जैक्ट वो डब नहीं कर पाते बट ये हिंदी भी कितना परफेक्ट बनाया है फीमेल कनाडा का फीमेल वोकलिस्ट है वर्षा आचार्य आचार्य बहुत प्यारा वोकल्स आपने दिया है और मेल भी मेल सिंगर्स है कन्नड़ा के संतोष वेंकी मोहन सचिन रवि पुनीत एंड मनीष बहुत ही प्यारा लिरिक्स भी कन्नड़ा की लिरिक्स रवि बसूर भाई ने ही लिखी है म्यूजिक डायरेक्शन भी उनका ही है ठीक है ना वेरी नाइस और प्रशांत नील ने तो मचा दिया है ठीक है ना जो डायरेक्टर है ठीक है और यश भाई के जो चल रहा है उसके बारे में क्या ही बोले अभी हिंदी के बारे में बात करते हैं कन्नड़ा का अलग ही लेवल का था क्योंकि वो ओरिजिनल है उसका तो मतलब अलग ही लेवल था क्योंकि मूवी कन्नड़ा है तो ऑब्वियस है ठीक है ना बिल्कुल अब मैं आपको एक बात बताता हूँ हिंदी के फीमेल वोकल्स थे प्रियंका भाराली के थे ठीक है बिल्कुल और दूसरी बात जो मेल्स ने मेल सिंगर ने दोनों भी कन्नड़ा एंड हिंदी जो जान डाली है मेल सिंगर ने मैं सुल्तान में भी बोला था आपको सॉरी सुल्तान ये है बिल्कुल तूफान ना ये सुल्तान है वो तूफान है तो तूफान में भी आपको बोला था यार एक कंपोजिशन ना तूफान जैसे मिल रहा था और ट्रम्पेट भी इतने सेम थे बिल्कुल सिर्फ अपना ट्यून अलग पैटर्न में भी उसमें कैसा है इसमें कोई अलग था मतलब पैटर्न अलग है दोनों का स्टेशन सेम है सिर्फ पैटर्न अलग है बाकी ऑर्केस्ट्रेशन प्रॉपर सेम है और बीच में बहुत बोलो सब कुछ बीच में बहुत अच्छा वो कंपोज किया था मुझे अच्छा लगा और हिंदी के मेल सिंगर्स है मेल सॉरी ब्रिजेश मोहन लक्ष्मण साज संतोष संदेश सचिन रवि पुनीत अच्छा मनीष ओके स्वरार एंड ये दो तीन लोग तीन चार जो लोग है वो ऐड हुए हैं हिंदी में बाकी कन्नड़ा वाले ही दिख रहे हैं मुझे और जान डाला यार वोकल्स में और हिंदी लिरिक्स शब्बीर भाई ने लिखे हैं शब्बीर भाई ने खींच के रखा मेरे को कंपोजिशन बहुत अच्छी लगी इसकी कंपोजिशन जो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल लगी क्योंकि आपके कंपोजिशन में और
म्यूजिक में और म्यूजिक प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा, बिल्कुल जितना अरेंजमेंट तगड़ा रहे उतना ज्यादा मजा आता है, और ये वो मजा यहाँ पे बरकरार था, जैसे तूफान में बरकरार था वैसे ही। हाँ, तूफान का ऑर्केस्ट्रेशन और इनका ऑर्केस्ट्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ पैटर्न अलग है, बिल्कुल कंपोजिशन पैटर्न, रिदम पैटर्न, सब कुछ ये सब अलग है, बिल्कुल। और इस बार म्यूजिक प्रोड्यूसर जो है वो रवि भाई के साथ भरत मधुसूदन है और सचिन बसरूर है, बिल्कुल इनके मतलब सचिन बसरूर उनके भाई हो गए शायद, बिल्कुल सेम ये दिख रहा है। और ट्रम्पेट ग्रुप रॉबिन वॉल्टर ओसवाल्ड ये सब है, जमीरुद्दीन एंड टूबालोज है राजू भाई ने बजाए ले, बहुत बढ़िया, बहुत सही, मतलब गोवा से आए अपने, वाह, अरे यार क्या दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया। अरेंजमेंट के बारे में तो मैं क्या बोलूं, सिर्फ मेरे को मैंने बोला था मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में नहीं क्या कि वो डिस्टर्ब होता है, तो मेरे को किसी ने एक बात कमेंट सेक्शन में बोली थी कि गाइज ये हो सकता है कि मतलब इसके कोडिंग के वजह से, मतलब ये अपना यूट्यूब प्रॉपर तुमको एचडी हो सकता है या 320 केबीपीएस में नहीं दे पा रहा होगा, इसलिए आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। नहीं तो एक चीज इसमें ये खाती है मुझे कि मिक्स मास्टर में थोड़ा सा ना डिस्टॉर्ट होने लगता है, पता नहीं क्यों। तो अभी जब उसमें देखेंगे हम लोग अपने थिएटर में या कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म में आएगा तो तब पता चलेगा कि भाई इधर प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी तो क्या बोलूं यार, वीडियो बहुत अच्छा, जिसने भी एडिट किया लिरिकल वीडियो बहुत अच्छा एडिट किया है, मतलब काबिले तारीफ है। और जैसे कॉस्ट्यूम से लेके बिल्कुल स्क्रीन प्ले से लेके आर्ट डायरेक्टर से लेके इतना फाड़ है ना, ये ट्रेलर टीजर में ही बोल दिया ये सब के बारे में, कलर डीआई कलर इस तो मतलब इन्होंने तो वन साइड खेल लिया यार, वन साइड खेल लिया, बहुत सही, बहुत पावरफुल सॉन्ग, मजा आ गया मेरे को। अगर एंट्री वाले सॉन्ग मैंने आपका ही एक और एक जो आज ही रिलीज हुआ, जो आज ही रिलीज हुआ मूवी, उसका गाना जो एंट्री वाला था हीरो की, और इस मूवी का जो यश भाई का एंट्री वाला सॉन्ग था, बहुत सही, बहुत सही है, वाओ मजा आ गया, बहुत मजा आया गाइस। ये था हमारा वन टेक जो हमको पसंद है, हम लोग बोला अगर कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ करना, और कन्नड़ा में कुछ समझने में गलती हो गई होगी तो माफ करना, बिल्कुल। तो आप लोग अकेले एंजॉय मत करो, बिल्कुल नए हो तो चैनल को शेयर कर दो तो नए पब्लिक को भी पता चलेगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे प्यार रखो, ऐसे सपोर्ट रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, पीस आउट। Na 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 na